देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट की नामांकन सभा है। भीलवाड़ा के मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी हैं रामलाल जाट। तो आज तो दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है, फिर चाहे वो बीजेपी के दिग्गज हो या फिर कांग्रेस के, ज्यादा आज नामांकन दाखिल किए गए हैं दिग्गजों की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण। और इस रण को फतह करने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है। और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट की नामांकन सभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। मांडल से तस्वीरें, बड़ी संख्या में समर्थक रामलाल जाट के जो यहां पर एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और नामांकन सभा को संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल की ओर। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, इससे पहले आपने देखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सीपी जोशी की नामांकन सभा में संबोधित किया था। और अब मांडल पहुंचेंगे, हालांकि पहुंच गए हैं, लेकिन ये नामांकन जो सभा है यहां पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हो चुका है, निकल चुका है यहाँ के लिए। अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ से संबोधन दिया जाएगा। रामलाल जाट के समर्थन में जनता से वोट की अपील मुख्यमंत्री करेंगे। और जिस तरह से क्षेत्रों के हिसाब से भी संबोधन में रणनीति नजर आ रही है हर एक पार्टी की, फिर चाहे वो ERCP का मुद्दा हो, अगर भाजपा की बात करें तो अलग ही मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल पहुंच चुके हैं, नामांकन सभा है रामलाल जाट की, यहां से संबोधन मुख्यमंत्री का आपसे थोड़ी देर में होगा। लेकिन अपार भीड़ यहां पर नजर आ रही है, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और फिलहाल ये देखिए, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में संबोधन भी यहां से मुख्यमंत्री का होगा। आपने सुना इससे पहले प्रत्याशी के समर्थन में जो सभा को संबोधित किया जा रहा था, क्यों किस प्रत्याशी को आपको जिताना है, और साफ तौर पर कहा कि सरकार तभी पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है जब एक एक हमारे प्रत्याशी को आप चुन चुन कर जिताकर भेजेंगे। और सरकार रिपीट होने पर विकास कार्यों को और भी ज्यादा गति प्रदान की जाएगी। जो काम हमने किए हैं और कई गुना कार्य आगे आने वाले समय में किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रामलाल जाट, नामांकन सभा उनकी, और इसे संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। आप सबको आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत अतिरिक्त योजनाओं की घोषणा करेंगे। आप बड़े भाग्यशाली है मांडल के और मांडल विधानसभा क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले के पधारे हुए लोग, क्या आज उन घोषणाओं को सुनेंगे जो आज राजस्थान में नई घोषणाएं होने वाली है, उसका भी आज उद्बोधन होगा। मांडल के सभी कार्यकर्ता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मालों का बहुत बड़ा हार। तो देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, यहाँ पर फूलों की माला पहनाई जा रही है, अभिनंदन। और रामलाल जाट इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि इन्हीं के समर्थन में इस सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। रामलाल जाट जो कि मंत्री भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, और एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त। देखिए यहां पर कोई फूल भेंट कर रहा है तो कोई फूलों की माला मुख्यमंत्री को पहना रहा है। और यहाँ पर जो समर्थक जुटे हुए हैं, किस तरीके से एक युवा को मुख्यमंत्री ने गले लगा लिया जो स्वागत के लिए मंच पर पहुंचा, क्योंकि ये समय बेहद महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर अपनी अपनी बातें हर कोई अपनी तरफ से रख रहा है, लेकिन ये जनता पर निर्भर करता है कि वो किसके वादों पर और किसके दावों पर भरोसा करती है, क्योंकि भरोसा जिस पर जनता का होगा वही जीतेगा। मुख्यमंत्री का संबोधन अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि क्या कह रहे हैं सीएम, सुनते हैं एक बार। जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी जी, हमारे आशीन के उम्मीदवार हंगामेलाल मेवाड़ा जी, गिरी धाकड़ जी मांडलगढ़,
राजेंद्र त्रिवेदी जी सहाड़ा, रामबाल शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता, होम्योपैथी हमारे वरिष्ठ नेता ओम जी नानीवाल जी, हैप्पी बन्ना और तमाम उपस्थित समझ मंच उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि जो आप उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगता है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबको, रामलाल जी को, तमाम हमारे उम्मीदवारों को मिल चुका है। आप जानते हैं कि 5 साल सरकार में आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला काम करने का, प्रथम सेवक के रूप में, और मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने के अंदर। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया, युवाओं के लिए समर्पित किया, महंगाई बहुत भयंकर रही, राहुल गांधी जी ने कहा था महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है, भारत जोड़ो यात्रा में ये मुद्दे थे, प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए आपस के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, यही मुद्दे लेके हमारी सरकार ने काम किया 5 साल। और आपके सामने हैं आज राजस्थान का नाम जो है, हम गर्व से कह सकते हैं पहली बार आज़ादी के बाद में पूरे देश के अंदर चर्चा में आया है, पूरे देश में चर्चा में आया। क्यों आया है? काम ऐसे ही किए हैं, ऐसी स्कीम लेके आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कोरोना के वक्त में जो मैनेजमेंट हमने किया शानदार, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, सब लोग लॉकडाउन में घरों बंद थे, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आप सब ने एक दूसरे को इमदाद करी, कोई भूखा नहीं सोया। और बड़ी बात थी पहली अटैक हो गया, भीलवाड़ा भी हो गया था कोविड का, मालूम आपको यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी, कलेक्टर, कमिश्नर, तमाम एसपी जो अधिकारी थे उन सबको हमने गाइड किया जयपुर से, और इस प्रकार से कंट्रोल किया उसको, कोविड को, कोरोना को, कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को कहना पड़ा कि रास्ता में जो भीलवाड़ा में कंट्रोल किया है कोविड को, कोरोना को, मरने से लोगों को बचाया है, आगे फैला नहीं है, पता नहीं कितने लोग मर जाते, वो मॉडल बन गया। और मुझे कहते गर्व है आप सबको बधाई उसके लिए, भीलवाड़ा वासियों को, भीलवाड़ा की चर्चा पूरे देश में नहीं, राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया के मुल्कों में, WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ करी, आप छू सकते हैं, वो भीलवाड़ा में आज आया हूँ यहाँ पर। और मांडल के जो हमारे उम्मीदवार है रामलाल जाट, बली बात यहाँ परिचित हैं, आपके आशीर्वाद से ये आज राजस्व मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर होना एक मायने रखता है, पटवार मंडल, उप तहसील, SDO ऑफिस, ADM ऑफिस, पूरे राजस्थान जाल बिछ गया है, प्रशासनिक मशीनरी क्षमता बढ़ गई है काम करने की, और तो और 33 जिले से 53 जिले, 20 जिले बनाना इख्तियार बन गया राजस्थान के अंदर, बगैर रामलाल जाट के सेवक के संभव नहीं था, इन्होंने पूरी तरह जिस प्रकार से तत्परता दिखाई, प्रक्रिया पूरी करी, पटवारी लगा करके SDO, फिर कलेक्टर, ADM, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आज राजस्थान में 53 जिले हो गए, दूरियां कम हो गई, जिला सापरा जिला बना आपका, तो सापरा के आसपास में जाजपुर है, बाकी क्षेत्र है, उनको मुख्यालय भीलवाड़ा के बजाय सापरा जाने का काम चल जाएगा। इसी प्रकार से जो जिले बने हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जिला मुख्यालय में बकायदा वहाँ पर कलेक्ट्रेट बनेगा,
मुख्यालय हर विभाग के बनेंगे, पुलिस मुख्यालय बनेगा वहाँ एसपी का, और पूरी तरह लोगों को सुविधाएं हो जाएगी। ये हमारी सोच है कि जिले ऐसे बनने चाहिए जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। आबादी के हिसाब से हम देखें तब भी जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, डेयरी में काम करते ही करते हैं, डेयरी का काम भी राजस्थान में नंबर टॉप पर है, तो आपके रामलाल जाट का है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब सशक्त प्रतिनिधि आपको मिला है, आपका आशीर्वाद मिलेगा, कामयाब होगा। और जितने हमारे उम्मीदवार बैठे हुए हैं यहाँ पर, हंगामिला मेवाला, अभिषेक डागर, रंजन त्रिवेदी, अक्षय, हाँ, ये जितने उम्मीदवार बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी, और भी निकले होंगे अभी, तो भिलोड़ा का अभी आजकल भी निकले होने वाला नाम है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने देखा है काम हमने किया है, क्योंकि बीजेपी के बारे कहने कुछ नहीं है, और बीजेपी तो पिक्चर में नहीं है, राजस्थान में कहाँ दिख रही बीजेपी आपको? कांग्रेस वर्सेस ईडी, ईडी की एजेंसी जो है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पीछे पड़ी हुई है। दो बेटों को बुला लिया वहाँ दिल्ली, मेरे बेटे को बुला लिया दिल्ली के अंदर, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, झूठी शिकायतें कराने वाले बीजेपी वाली, और आप नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो। आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये इतनी अच्छी संस्थाएं हैं जो आर्थिक अपराध करते हैं, जो लंदन बैठे हुए, लंदन में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो 9 साल पहले वो गए हैं करीब लगभग। क्या अब वो देश के अंदर कोई आर्थिक अपराध कर रहा है? आप तंग कर रहे हो, पॉलिटिशियन को तंग कर रहे हो, हर राज्य के अंदर सरकारें गिराने के लिए भी निधि का, इनकम टैक्स का उपयोग कर रहे हो। चुनी सरकारें गिरेगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ये आज आप बैठे हुए हो, ये मीटिंग हो रही, क्योंकि लोकतंत्र है, माई बाप आप हो, तब मीटिंग में बुलाते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, पैरों में हाथ लगाते हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, ये आपको एक वोट का अधिकार मिला हुआ, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपको। अगर अधिकार नहीं हो गरीब के पास में तो गरीबी कौन पूछे? आज तो सरपंच लगा करके एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको हाथ जोड़ना पड़ता है, और उसको ये खत्म करना चाहते हैं लोग, जिस रूप में तरीका है, संविधान की ध्वजा उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ईडी के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हम लोगों से ये। अरे दम कम है आप में, आओ मुकाबला करो हमसे, हमने 5 साल में काम किया, उससे बहस करो हमसे, हमने 7 गारंटी दिए नहीं, उससे बहस करो, हमने बैंगेराज सीरीज में 10 गारंटी दी थी आपको, 10 की 10 लागू मैंने कर दी है, उससे बहस करो, ये लोकतंत्र है। वो नहीं करेंगे, ये खाली डर भय पैदा करना चाहते हैं, आरोप जुड़े लगा रहे हैं, वो दम नहीं है आरोपों के अंदर, मुकाबला करने का दम नहीं है, आपस में पता नहीं फजीती हो रही है आपस के अंदर इन लोगों की। तो आप सोच सकते हो कि स्थिति बनी राजस्थान में, एक तरफ तो राजस्थान तेज गति से विकास कर रहा है, पानी की योजनाएं, जेजेएम, और ये इतने प्रचार करने लगी जेजेएम की स्कीम, कोई भारत सरकार पैसा दे रही हो, 45% भारत सरकार, 45% स्टेट गवर्नमेंट, पर साथ में 10% गांव वालों को इकट्ठा करने का पैसा, हमने आपको मालूम है, मैंने घोषणा कर दी बजट में कि केंद्र नहीं तो राजस्थान 10% भी किसान से नहीं लेगा, हम देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ देंगे, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रकार से हमने जो काम किया वो आपके सामने है। 25 लाख का बीमा इलाज का किसे कहते हैं? अरे 25 लाख का बीमा, आज 500 हजार 5 हजार खर्च होते थे दवाइयों के अंदर, ऑपरेशन 25 हजार 50 हजार खर्च होते थे ऑपरेशन के अंदर, 2 लाख 3 लाख के बिल बनते थे, हार्ट का अटैक आ गया है, किडनी ट्रांसप्लांट में 7 लाख लगते थे,
आप बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है फ्री के अंदर, हार्ट के वाल्व लग रहे हैं, हार्ट के स्टेंट लग रहा है, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, घुटने बदल रहे हैं लोगों के, मतलब किसी को विश्वास होने लगा, दुनिया के मुल्कों में विश्वास नहीं होता है कि राजस्थान नाम का कोई प्रदेश है देश के अंदर हिंदुस्तान में जहाँ पर पूरा इलाज फ्री होता है, दुनिया को विश्वास नहीं हो रहा आज भी, आश्चर्य करते लोग, आश्चर्य करते लोग, कितना आराम गरीब आदमी को जाने के लिए रखने पड़ते माँ बाप को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते हैं माँ बाप बचेंगे नहीं आपके, नहीं नहीं फिर भी इलाज करो, घर गिरवी रख देते थे, अब आप बताइए इलाज फ्री हो रहा है, हमने कानून पार कर दिया है, कानून पार कर दिया हमने, स्वास्थ्य का अधिकार कानून पार कर दिया है, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर कानून पास कर दिया, 25 लाख का बीमा तमाम पब्लिक के लिए है, बाकी राज्यों में तो कहीं 15 लोगों के लिए है, कहीं 20 लोगों के लिए है, गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो यूपी हो। तो कहने का मतलब है कि हमारी शानदार स्कीम है दुर्घटना बीमा अलग, गाय मर गई लंबी रोग से, हिंदुस्तान में किसने पैसा दिया, हमारी गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये दिया एक गाय मरने वाले को दिया, आगे बीमा कर रहे हैं दो गायों का भैंस का बीमा हम कर रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना लेके आए, दाने भी है उसके अंदर, तेल भी है, मिर्च मसाले भी है, महंगाई के दौर में कैसे हम रात दिन में बचत कैसे हो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे थे हिंदुस्तान में कहीं था, 1150 रुपये का गैस सिलेंडर 500 रुपये दे रहे थे उज्ज्वला योजना को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री करने से 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो आने लग गया, 1,04,00,000 लोगों का, किसानों का 14 लाख किसानों का बिल 2,000 यूनिट फ्री कर दी हमने किसानों के लिए, उनका बिल जीरो आ रहा है, कोई कमी ऐसी हमने काम करना चाहता है, कॉलेज खोल दीजिए मांगा मुझसे, मैंने रामलाल बैठे हैं यहाँ पर सारे MLA जानते हैं, मैंने कहा भाई जो तुम मांगो तहसील उप तहसील कॉलेज नगर पालिका सड़कें पानी की योजना, मैं अगर तुम मांगते मांगते थक जाओगे तो मैं देते देते नहीं थकूंगा, वो मैंने करके दिखाया है, खाली कहा नहीं मैंने करके दिखाया है राजस्थान के अंदर, ये थक गए मांगते मांगते, जो मांगे मैंने दिया है। आजादी के बाद में 250 कॉलेज खुली गवर्नमेंट के, हमने अभी 5 साल में 310 कॉलेज खोल दिए, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों की पढ़ना हमारी बहनें माता बैठी हुई है बहुत कम संख्या में, वैसे ही हम चाहते हैं कि लड़के पढ़े, वो भी आ गया है, आप बताइए इस सोच के साथ में सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं में हम सिरमौर देश के अंदर, दूध के उत्पादन के अंदर 5 रुपये दे रहे हैं किसान को पशुपालक को प्रति लीटर दूध का, हिंदुस्तान के दे रहे हैं, फायदा क्या होगा मालूम आपको, फायदा ये होगा दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था देश में, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर, इस प्रकार से हमने फैसले किए हैं, उसका लाभ मिल रहा लोगों को, लाभ मिल रहा लोगों को। इतने में कहना चाहूँगा कि सरकार ने काम की कमी नहीं रखी, लंबी लिस्ट है कि आपके मानगढ़ में क्या क्या काम हुए वो तो आप खुद जानते हो, मुझे पता नहीं जा सकता नहीं, मैं अकेले आपको इतना कहना चाहूंगा, ये मेरे पास लिस्ट भी है, मांडल और करेड़ा में कॉलेज और करेड़ा में ITI खोले गए, मांडल में संस्कृत कॉलेज खोला, करेड़ा में सावित्री बाई फुले हॉस्टल बन रहा है, मांडल उप जिला अस्पताल ज्ञानगढ़ और भगवानपुरा में CSC, उमरी दानथल और बांधू में PSC, बागोर में कृषि उपरमंडी, मॉडर्न में मांडल में मिनी फूड पार्क बन रहा है, घोड़ास और भगवानपुरा में पशु चिकित्सालय खोला गया है, पुलिस चौकी खोली गई है यहाँ पर खोनपुरा बड़ा मोहा चित्तम्बा नानेपुरा में, मांडल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, पता ही को आपका यहाँ पर बच्चे को नौजवान साथियों को उद्योग लगाने के लिए उद्योगिक क्षेत्र बना रहा है,
गुरुद्वारा श्री कल भी कलगीधर बागोर साहिब मंडल के धार्मिक स्थल के काम प्रगति पर है। रायपुर सहारा सोहाना पेयजल परियोजना 276 करोड़ के काम चल रहे हैं और सड़कों के काम आपके 200 करोड़ ज्यादा ही चल रहे हैं। ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, बाकी कोई काम तो जो मांगा दिया है कोई कमी रखी नहीं है। और कई युवाओं के लिए योजनाएं, अनुपति योजना, कोचिंग के लिए किसानों का अलग बजट पेश हुआ। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश करने का पहल करी हम लोगों ने, कल्पना कीजिए आप। 12 मिशन बनाए उसके अंदर हमने। नौजवान साथियों कहना चाहूंगा, इंटरनेट पे देखिए वो 12 मिशन क्या है, उसके आधार पर हम चाहेंगे राजस्थान कृषक और कृषि आगे बढ़े। वहां तो काले कानून बन गए किसानों के लिए, 600 किसान मारे गए, एक साल तक हड़तालें करी, किसानों ने परवाह नहीं करी केंद्र सरकार ने। लोग भूले क्या उनको, काले कानूनों को? हमने अलग बजट पेश किया है, 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है। जो कर सकते हैं हम लोग को कमी नहीं रख रहे हम लोग। जमीने कुर्की नहीं होनी चाहिए, उन्हें अलग कानून बना दिया हम लोगों ने, बताइए आप। ये हमें बदनाम करते हैं, पर्चा लीक अरे एग्जाम में पर्चा लीक तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में कहा नहीं हो रहे हैं, आर्मी के अंदर हो गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे उसके अंदर हो गया है। ये नहीं कहते कि एकमात्र सरकार राजस्थान की सरकार ने 200 लोगों को जेल भेज दिया, बुलडोजर से मकान गिरा दिए उनके, और साथ में कानून पास कर दिया आजीवन कारावास होगा जो पेपर लीक करेगा उसको, बताइए आप। और ये लोग गुमराह करें बच्चों को, लाखों बच्चों को भविष्य, अरे भाई तो तुम्हारे वक्त में पर्चे लीक होते थे, इलाज की बात है। पेपर लीक हो गए तो हमने क्या किया, एग्जाम कैंसिल कर दिया, इसलिए जो पढ़ के पास होगा वही नौकरी पाएगा। उन्होंने क्या किया, मैंने सुना पेपर लीक हो गए उसे छिपा दिया, पेपर लीक करके जो पास हो गए उनको भी भर्ती कर दिया कि बोलो मत। ये उनकी नीति थी, हमारी नीति दूसरी है। हाईकोर्ट ने कमेंट भी किए थे इस प्रकार से मेरे ख्याल से। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, हमने कोई काम बंद नहीं करते। सीआरसी की योजना उनकी है पूरी राजस्थान की, सिंचाई होगी 2 लाख हेक्टेयर किसानों के लिए, वो काम हम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वादा करने के बावजूद भी। इन्होंने क्या किया, हमारी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की, 2 रुपये लीटर दूध के लेते थे हम लोग पहले ओनर्स, वो बंद कर दिया। वापस गवर्नमेंट हमारी आई है, 2 रुपये पहले हमने वापस लागू किया, फिर 5 रुपये बढ़ा दिया आदमियों का, किसानों का, पशुपालकों को बढ़ा दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, ये और बदनाम कर दिया आपके कन्हैयालाल हत्याकांड, इनको पूछो कन्हैयालाल की हत्याकांड में जो हत्या करने वाले लोग थे वो थाने में पकड़े गए थे, वो दूसरे केस के अंदर बीजेपी के नेताओं ने सुपारिश करी छुड़वाने के लिए, ये क्यों भूल जाते हैं? इतने उस पर भी इश्यू नहीं बना पाए लोग, नंबर एक। नंबर दो, जब हत्या हुई उनकी तो मैं जोधपुर में था, मैंने मेरा दौरा कैंसिल किया, कैंसिल करके मैं भाग के आया जयपुर, चीफ सेक्रेटरी को डीजी को ले गया उदयपुर, 3-4 घंटे में पकड़े गए अपराधी, पैकेज दिए नौकरियों को, पैकेज दिए बच्चों को, पूरा परिवार संतुष्ट है कि भाई देखो सरकार जो कर सकती थी वो किया है, 50 लाख का मैंने पैकेज दिया, अन्य सहायता का अलावा भी सब कुछ किया। हमें बदनाम करते हैं, इनको क्या हक है? अरे तुम तो वो लोग हो, मालूम होंगे हत्या हो गई है तब भी हैदराबाद मीटिंग चली थी लोगों की, तमाम आप गुलाब सिंह कटारिया हो, राजा राठौड़ हो, जितने नेता थे तमाम लोग वहां उदयपुर जाने के बजाय हैदराबाद गए थे, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, प्रदेशवासियों को, ये गुमराह करे लोगों को, इनकी पोल खोलनी पड़ेगी हम लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको हमने काम अगर किया है आपको लगे तो, अगर हमने 7 गारंटी और दी है अभी जो मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखिए ये जो गारंटी के काम है ये हम क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि 10 गांडे दी थी वो पूरी हुई, लोगों में विश्वास हमारे ऊपर जमा है, भाई ये कहते वो करते हैं। अब हमने कहा सरकार आपने राय ली हमारी, हर परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ये हमारी गांडी दे रहे हम लोग, वो स्वाभिमान से रह सके। लैपटॉप उनको हम लोग अलग से स्मार्टफोन दे रहे हैं, अलग योजना थी, 10-40 लाख दे दिए हम लोगों ने लगभग स्मार्टफोन, और एक और लोगों को देंगे हम लोग जो बकाया है, वो फैक्ट्री बन नहीं पाई थी मोबाइल फोन तो सप्लाई हो नहीं पाई थी, वो योजना तो हमने पहले घोषित कर रखी है, पर आगे के लिए मैं बता दूं आपको 10,000 में गृहलक्ष्मी योजना में नंबर एक होगी, और नंबर दो जो बच्चे पढ़ते बारहवीं के अंदर जो कॉलेज जाएंगे लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे विश्वविद्यालय में या कॉलेज में, उन तमाम बच्चों लाखों बच्चों को एडमिशन के साथ साथ में लैपटॉप दिए जाएंगे टैबलेट दिए जाएंगे, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ तमाम बच्चों को जो शुरू से पढ़ाई कर सके। आजकल तो IT बेस पढ़ाई होती है, IT बेस पढ़ाई होती है और क्रांतिकारी काम है, इसलिए मैंने तीसरी घोषणा करी इंग्लिश की करी है। इंग्लिश पढ़ने जाएंगे बच्चे, आज 6 लाख बच्चे पढ़ रहे राजस्थान में इंग्लिश पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में, पहली बार प्रयोग हुआ है जब हमारे शिक्षा मंत्री धोतासा जी से तब, और इतना शानदार रेस्पॉन्स मिला है, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, तो वही बच्चे जो है आने वाले कल का भविष्य है। बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश, पहले मैं खिलाफ था खुद इंग्लिश के बचपन के अंदर, आज मैं महसूस करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, दुनिया मुट्ठी में है, गूगल के माध्यम से दुनिया में क्या हो रहा देख सकते हो आप, मोबाइल के अंदर iPad के अंदर लैपटॉप के अंदर। हमने तय किया सब बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे, इस प्रकार की मैंने घोषणा करी है। इंग्लिश पढ़ेंगे उसके लिए जहाँ स्कूल मांगेंगे आप लोग हिंदी के साथ में, वो स्कूल ही खोल दी जाएगी, एक घोषणा की है। आपदा के वक्त में कई बार बिजली गिर जाती है, अंदर से मकान गिर गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, तो मुआवजा बहुत लिमिटेड मिलता है सरकार का, क्योंकि नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं। हमने तय किया 15 लाख का बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक बीमा में उनको पैसा मिलेगा किसान को, ये घोषणा ही करी है। एक घोषणा मैंने ली है गोधन गारंटी, छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई थी, जितना गोबर होता है गायों का भैंस का उनको सरकार खरीदेगी, उनकी दवाई बनती है, बायोमास के प्लांट लगते हैं, खाद बनता है, वो अलग अलग प्लांट लगेंगे। मैं देख के आया था रायपुर के अंदर जा कर के, मैंने देखा कि जो गायें बाहर घूमती है गलियों के अंदर वो आवारा पशु कहलाते हैं, वो बंद हो गई, अब वो पशुपालक बाड़ों में रखता सरकारी बाड़ों में, वही उनकी देखभाल होती है, चारा मिलता है और उनका गोबर जो है वो काम आता है, सरकार खरीद लेती है उससे, तो इनकम बढ़ जाती है किसान की। उस योजना को हमने अपनाया है, एक गांडी में दे रहे हैं। एक हम चाहते हैं कि 500 में गैस सिलेंडर जो है अभी खाली उज्ज्वला योजना वालों को मिलता है, अब हम दायरा बढ़ाया है, जो भी खाद्य सामग्री सुरक्षा में शामिल है, राशन की दुकान राशन लेता है, 1,05,00,000 लोग हैं वो, उन तमाम लोगों को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये हमने घोषणा करी। और लास्ट में सरकारी कर्मचारियों का ने OPS लागू किया था, बहुत खुश है सरकारी कर्मचारी, ओल्ड एज पेंशन। हमने कहा है भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है, कोई BJP रूल स्टेट 14 जगह सरकार BJP की है, कहीं लागू नहीं किया इन्होंने, हमने यहाँ पर लागू किया, हिमाचल की सरकार हमारी बनी वहाँ लागू किया, कर्नाटक में लागू किया है, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। तो मैंने ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ सरकार हमारी बनेगी तो OPS का कानून पार किया जाएगा असेंबली के अंदर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कर्मचारियों को। इस प्रकार से प्रयास किया जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस हम लोग दें, इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अगर चाहते हो सरकार वापस आए तो उसका एक ही तरीका है, जो उम्मीदवार आपको दिए गए हैं
सरकार तब बनती है जब एमएलए जीतता है, वरना सोचो आपकी सरकार रिपीट होनी चाहिए, बनना चाहिए वापस, सरकार बनने चाहिए। अच्छा काम किया तो उसे रिपीट सरकार नहीं हो सकती है, सरकार रिपीट तभी होगी तब आपका आशीर्वाद मिलेगा सब उम्मीदवारों को। जनता जनार्दन है, वही माई बाप है लोकतंत्र के अंदर, उनके आशीर्वाद से ही सरकार बनती है। आपके बगैर कुछ ही होगा, इसलिए मेरी अपील रहेगी, रामलाल जाट तो आपके अब नहीं है, आपके जाटपुर से धीरज गुर्जर, सारा से राजेंद्र त्रिवेदी, मंडलगढ़ से विवेक धाकर, आशीष रंगमीलाल मेवाल जी, और आजकल में बीरवाड़ा शाहपुर आगे भी घोषणा हो जाएगी, तमाम उम्मीदवारों का जिताएंगे।